जिस टाइम पर सांडा सन्यास को मारने के जुर्म में बैंकों में श्रम डकैती असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को सजाए मौत और वी के तत्व विजय कुमार को काले पानी की सजा सुना दी जाती है। और जिस दिन फांसी लगनी थी एन उसे दिन का ये भजन है। सारे गांव में गमहीन माहौल था कि आज भगत सिंह को जो है फांसी तोड़ दिया जाएगा। एक 10-12 साल की छोटी सी छोरी उसके कान में बात पड़गी, न्यूबलिया जी जी क्यों हो गया गांव में, सारे बातें नहीं करते आपस में, न्यूबलिया तने मेरा को नहीं ना, न्यूबलिया जब विद्यावती आती है ना कि हाँ उसका छोरा नहीं है भगत सिंह के, हाँ आज उसने अंग्रेज फांसी तोड़ेगी, न्यूबलिया न्यू को तोड़ेंगे, न्यूबलिया मेरा नहीं मना तो गांव में खबर सुनी है वह छोरी बाजी बाजी भगत सिंह की माँ विद्यावती के दौरे गई। और सीन देखियो विद्यावती का हौसला देखियो, अन्नू मेरा तेरा बेटा फांसी टूटेगा। वह छोरी जाके यूं बोली, हे माँ हे बाप की हे बेबे, क्या बेटी क्यों गया तेरा सांस क्यों चढ़ रहे हैं, बोली हे माँ तू रे बेटी राम तेन कहा। और सारे गांव में मातम छा रहा था, क्या कहा, अब मैं तो न्यू सुन के आई हूँ कि तेरे बेटे भगत सिंह के आज हाथा में हथकड़ी पैरों में बेड़ी लगा के अंग्रेज ले जाके फांसी के फंदे पे आ तुम्हें फांसी तोड़ेंगे। इतनी बात सुनकर श्रोताओं भगत सिंह की माँ वहां पर हंसने लगी। और भगत सिंह की माँ क्यों हंसी, उसकी हंसी में एक राज था जो इस भजन में बताऊंगा मैं। वह क्यों हंसी, उसकी माँ के वो बात याद आ गई कि तेरा बेटा एक दिन बात बोल के गया था कि यह दिन आवे, अगर आज वो दिन आ गया। भगत सिंह की माँ को उस दिन भगत सिंह ने यह बात बोली थी जिसके डीएवी कॉलेज लाहौर में बीए पास करके अपनी सनत लेने चले गया भगत सिंह ने। बोला मैंने मेरी सनत दे दी प्रिंसिपल को, मेरी जो बीए क्लियर होगी मैं अपने गाँव में जाऊँ। एक बात बोली थी वहां पर अंग्रेज ने, बोला भगत सिंह अगर तेरे को अंग्रेजों की गुलामी मंजूर हो तो हमारी मदीब काट के दू तेरी मार्क लिस्ट, अगर तेरे को गुलामी मंजूर हो तो नहीं दूंगा। और भगत सिंह गुलामी का नाम सुनते शेर की तरह दाड़ा, बोले अंग्रेजों तुम्हारी अंग्रेजी तुम्हारी गुलामी अंग्रेजों की ना भगत सिंह को पहले कभी मंजूर थी ना नाका होगी। इतनी बात सुनकर अंग्रेज का गुस्सा उठ गया, थप्पड़ मारा खींच कर, बोला ठीक है आज तुमने थप्पड़ मार दिया नहीं चाहिए मैंने मार्क लिस्ट, मेरी जिंदगी का लक्ष्य बदल गया। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक ये भगत सिंह हिंदुस्तान में जिंदा रहेगा ना खुद चैन की सांस लूंगा और ना अंग्रेज जो तुम्हारे को चैन की सांस लेने दूंगा। ताड़ी मारो एक बार खींच के, ये प्रण लेके ये संकल्प लेके जब कोई संकल्प ले लेता है उस संकल्प को अंजाम पे पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। मन में इरादे लेके अपने घर छुट्टी आ गया और भगत सिंह की माँ विद्यावती ने देखो अपने बेटे के चाचा चाचांदे होते हैं रिश्ता पक्का कर रखा, बहू देख के आई और ब्याह करने की सोच है। निबोली ने बेटा भगत सिंह ठीक ठीक पा गया बेटा तू, अरे खुशखबरी है कि माँ अगर तेरे खतरे गोद छैल जमा सुतरी बहू देख पाई। भाई बहू का चाहता उसने होगा ना जिसको रख चाहूंगे इस चीज के, लेकिन उसने तो मातृभूमि से प्यार था। नहीं बोले माँ ये बात मेरे दो रहना छेड़ है क्यों, मैंने लगा को नहीं मैं चीज जाता बेटा बात क्या होगी कि माँ तेरा भगत सिंह प्यार नहीं करावेगा क्यों, अगर माँ जब तक ये हिंदुस्तान गुलाम है ना जब तक वो शादी का ब्याह का मेरा सामने नाम ना लिए, अगर बेटा बात तो बता बात सुनेगी ना, कहा आज तो मैं एक गुलाम हूँ और तड़के तू मेरा ब्याह कर देगी कुछ दिनों के बाद तो मर्द भी हम दो गुलाम हो जाएंगे, आगे हमारे टापर होंगे हम तीन गुलाम हो जाएंगे, लेकिन जब तक ये हिंदुस्तान गुलाम है ना जब तक तेरा बेटा शादी नहीं करावेगा। इतनी बात भगत सिंह की माँ ने सुनी तो बस वही कांचा पीगी, इच्छा को समझाने का कोई फायदा नहीं, जिस रास्ते में इसका दादा चला इसका बाप चला इसका काका चला इसकी तो खानदान ने गिरी दिया है, छोरे ने भी यही रास्ता पकड़ लिया 22 साल की उम्र में। बोली ठीक है बेटा मैं कुछ नहीं बोलूंगी जो करना है कर। और भगत सिंह हंसने लगे, नहीं बोले मैं नाराज क्यों है, तो ब्याह करा लो करा कि मेरा के ब्याह करवाऊंगा मैं, वो दिन आएगा तेरी जिंदगी में तेरा बेटा बनना पड़ेगा, तेरे बेटे के हाथों में कंगने सजेंगे पैरों में रखड़ी सजेगी बटना लगाया जाएगा और ब्याहने के लिए जाऊंगा माँ, लेकिन याद रखिए वो दिन कौन सा होगा, ब्याहने जरूर जाऊंगा लेकिन वो लोकेशन भी कोई और होगी और वह दुल्हन भी कोई और होगी, एक दिन मौत नाम की दुल्हन से ब्याह कराएगा तेरा भगत सिंह। और वादा कर जिस दिन उस मौत को ब्याहने जाऊंगा एक भी आंसू आंख में नहीं लेगी। और सारे गांव की लुगाई छोरी ने बुला के सूत्र सूत्र गीत गवा के और अपने बेटे की बरात ने विदाई दे दी है, भाई अति इच्छा है मेरी। वह बात भगत सिंह की माँ के याद आई कि तेरे बेटे ने तो वो कर दिखाया और आज वो दिन आ गया। भगत सिंह की माँ सुनने लगी, बोली ये लाडो कौन कह रहा है कि मेरा बेटा फांसी टूटेगा के काम बोल जाएंगे, गलत बात झूठ सुनाई तू, ए मेरे बेटे का तो ब्याह है आज तो तेरा भाई बनड़ा बनेगा और बेटी उसके हाथ में हाथ कड़ी नहीं हाथ में कंगने सजेंगे लाडो न्यूकर। सारे गांव के लुगाई छोरी ने बुला के गया सूत्र सूत्र गीत गाओ घूमर गालो गीत दे पाओ और अपने भाई की बरात में विदाई दे दो। और भगत सिंह की माँ विद्यावती ने उस दिन अपने बेटे की मौत किस प्रकार से साथी में कन्वर्ट कर दी। भगत जनो ऐसे इतिहास में बने, धन्य है वो माए और धन्य है वो कोख जिनके गर्भ से ऐसे ऐसे वीर सुपुत्र ने जन्म लिया और जिनके इतिहास बन गए। और भगत सिंह की माँ ने कैसे खुशी मनाई एक बार पहले ताली बजाओ फिर मैं भजन सुनाता हूँ। हाँ तो मेरी ये बेटी ते समय पर पाती से ये हमने लियाड़ी आज या जाती से और आए छरियों की
की शादी है। ये छोरियों बाड़ी ना बनो, गीत गाओ बेटी, और सुत्र सुत्र गीत गाओ, और आपको देखे बनना पड़ेगा थारा भाई। और के बोली देश में पर पाती है, यानी आज या जाती है, आओ बहनों गीत गाओ, भगत सिंह की शादी है। देश में पर पाती है, यानी आज या जाती है, आओ छोरियों गीत गाए, भगत सिंह की शादी है, हर भाई की शादी है। अपनी हंसी में लगाम दे, जज गुस्सा हो गया, अगर ऐसे हंसेगा तो हमारी ब्रिटिश अदालत की तो हीन समझते हैं, बेइज्जती समझते हैं। और भगत सिंह ने एकदम सीना चौड़ा कर बोला, खुश हो गया, फांसी दे दी, क्या समझते हैं फांसी को, अरे ओ अंग्रेजो, मेरा तुम्हारे को सजा भी नहीं देनी आती, अरे जब हमने सारे जुर्म छाती ठोक के कबूल कर लिए, थरे सांडों सरदेश को शराब चढ़ाए पर ठोक क्या बने, थरी असेंबली में अंदर शराब बम फेंक चुके हम लोग, अगर हमें सजा देनी है ना तो अपनी फौज और पुलिस को बुलाओ और लगा के चारों तरफ से कन और बीच में खड़ा करके हमें गोलियों से उड़ा दिया जाए, अगर ऐसे फांसी के फंदे पर लटका के और कुत्तों की मौत मारोगे तो हम भी तोहीन समझते हैं हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों की, मारो खांच के ताड़ी। ये विचार थे न्यूयॉर्क के इतिहास होने। और अगली बात में फिर की बोली भगत सिंह की मां, जितने दुख थे दुनिया के सबसे बेटा मेरा पार होया, भगत सिंह मेरा पार होया, अरे ये मत कहना रे दुनिया हवाले, पुत्र मेरा गिरफ्तार हुआ, भगत मेरा गिरफ्तार हुआ, डंडा बेड़ी ला दई उसके पैरा में सजा दई, आज डंडा ये बेड़ी ला दई उसके पैरा में सजा दई, रा खड़ी पथवा दई आगे पटड़े की बनिया की है, देश में बर्बादी है, उसने ये देख के बड़ी चिड़की भाई, अंग्रेजों के बच्चे कुर्सी में बैठे और हमारे को क्लास में नीचे बिठा हुआ है, एक दिन अंग्रेज का बच्चा पानी पीने चला गया और बताते हैं भगत सिंह हिम्मत करके अंग्रेज के छोर की कुर्सी में बैठ गया, तीसरी क्लास में था, अंग्रेज का छोर आ गया, बोला भगत सिंह स्टैंड अप खड़े हो जाए, सीट तो मेरी है, मेरी सीट का जब नाम आया, भगत सिंह ने अंग्रेज के बच्चे का पकड़ के कॉलर ऊपर उठा के और खींच का मारा ऊपर, ने बोला अरे अंग्रेज के बच्चे सीट मेरी है, कौन कहता है सीट मेरी है, ये सीट मेरे हिंदुस्तान की है और हिंदुस्तान भगत सिंह का है, यह सीट भी भगत सिंह की है, अब नहीं छोड़ दूंगा इस सीट को चाहे जो करना करे। इसी बात के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि अभी से बच्चा इतना फर निकाल रहा है ना, इसका फर यही कुचल दो, नहीं तो बड़ा होकर बहुत बड़ा क्रांतिकारी बन सकता है बच्चा, 3 दिन की कैद 8 साल की उम्र में, 8 साल के बच्चे को खोस के ले जाए मोदी में और चेहरे में ठोक दे, माँ का रो रो का बुरा हाल हो जाएगा, रो रो का बुरा हाल हो जाएगा, मेरा बेटा कदा होगा, 3 दिन में आया बाल सुधार का बच्चों की जेल में है। और भगत सिंह की माँ विद्यावती ने भाजपा अपना बेटा ने गोली में ले लिया और भगत सिंह की माँ की आंखें में आंसू लिख गए और भगत सिंह आंसू पहुंच गए, देखो बच्चे के संस्कार ने बोले बावली मत बन, कह तो मन में काटती है, तेरी आंखें में आंसू क्यों है, बोले अरे बेटा ये जो मेरी आंखों में आंसू है ना बेटा, ये गम के आंसू नहीं है बेटा, ये तो खुशी के आंसू है कि हिंदुस्तान की किसी पहली माँ ने
अपनी कोख से पहला बेटा ऐसा पैदा किया है जिसने पहली आवाज इतनी छोटी उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ उठाई। बेटा आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ और आशीर्वाद देती हूँ तेरी को। मरो खेच के ताड़ी। ये संस्कार भरे भगत सिंह की माने तो आज भगत सिंह फांसी चढ़े। ये सारे संस्कारों की बात होती है भगत जी। और अगली बात फिर की बोली, हाथों में जंजीर डाल के चपरासी ने पकड़ी है, चपरासी ने पकड़ी है। ये मत कहना रे दुनिया हवाले, हाथों में हथकड़ी है, हाथों में हथकड़ी है। सजा होगा तगड़ा हाथ में उसके पूरे भूरे गात में। आंख मिच गई बोलिए, मेरे बेटे का सिंगार चल रहा होगा, कभी थोड़ा टाइम बचा था उसके गोल मटोर 22.5 साल की चढ़ती जवानी, लाल गोल मटोर बड़ा सुंदर था भगत सिंह। और माना बेटा कितना प्यारा हुआ, कितना प्यारा लग गया होगा कि बोलिए लगाइए। अब ये बोली, सजा होगा निकगड़ा हाथ में उसके गोरे गोरे गात में, सजा होगा निकगड़ा हाथ में उसके भूरे भूरे गात में। आज चढ़ेगा वो बारात में, चढ़ेगा वो बारात में। आगे मटड़े की बुनियादी है देश में बर्बादी है, शादी है आज तेरे बेटे की शादी है। आखिर के बोली यू बोलिए, वो ब्याह होगा बोले बेटी, ब्याह होगा बनड़ा बनेगा, सजाया जाएगा, बरा सजेगी, दुल्हा होगा भगत सिंह। और बोली बेटा बटेरू के गले बेटी दो गेलड़िया जाए करें, बोले गेलड़िया लेफ्ट राइट में जाके कौन आके। बोली ये राज गुरु सुखदेव भगत के साथ बराती जाएंगे, साथ बराती जाएंगे। ये राज गुरु सुखदेव भगत के साथ बराती जाएंगे, साथ बराती जाएंगे। लड्डो रे बेटी सुनो के माँ, इतना तो किसे दूल्हे का स्वागत नहीं होया होगा आज तक जितना थारा भाई भगत सिंह का आज फेरिया का स्वागत होगा। किसा होगा रियंटी नवली जिस टाइम पर फेरिया पे जाएगा ना, उसके सारे उसके सिसरे अंग्रेज मौत का हार लेकर खड़े पाएंगे। और बेटी पहरा कर थारे भाई का स्वागत करेंगे। नहीं लाडो एक बार खींच के ताली मारियो फिर बताऊं आगे। हे राज गुरु सुखदेव भगत के साथ बराती जाएंगे, साथ बराती जाएंगे। आके सारे सिसरे भगत सिंह के फांसी हार पहरावेंगे, उन्हें मौत का हार पहरावेंगे। चलो गाओ रे सखियों गाने को क्योंकि देर हो रही जाने को, चलो गाओ रे सखियों गाने को क्योंकि देर हो रही जाने को। फिर चली बरात चढ़ाने को, माँ बुआ और दादी है। फिर चली बरात चढ़ाने को, बापुआ बहने और दादी है। देश में बर्बादी है, यानी आज आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, भगत सिंह की शादी है, आज थारे भाई की शादी है। संस्कार करें युजला था एक थोड़ा था उसका श्री नाम आया श्राग ने नथु। संस्कार करें हवन कुंड तैयार करें, मंत्रों की भरमार करें, कोई पंडित वहां इलाजी है। आखिरी लाइन है मेरे भजन की। और दोस्तों बता देना चाहता हूं, बताते हैं इतना खोज का भगत सिंह का हिंदुस्तान हिंदुस्तानी जो था के बताते हैं, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, आंखें लाल और सीना बाहर, छोटे छोटे कदमों से जिस टाइम पर मौत की तरफ बढ़ रहे थे ना, जितने अंग्रेज खड़े थे रास्ते में अक्सर दो दो कदम पीछे हो गए, इतनी दहशत थी लड़के की। और फांसी के फंदे में जाके मैं छाती ताड़ के जब खड़ा होया और साइड में खड़े था मजिस्ट्रेट, और ऐसे मजिस्ट्रेट की तरफ तिरछी नजरों से देखा तो मजिस्ट्रेट के बताते हैं पंजे कांप के, भी लड़का फांसी चढ़ेगा और हिंदुस्तान में इतनी बड़ी क्रांति उभर कर।
सामने आएगी जिसे पाना काबू बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर एक बात बोली थी फांसी में चढ़ने से पहले उस अंग्रेज को भगत सिंह ने सुना ध्यान से कि वेल मिस्टर मैजिस्ट्रेट यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टू गेट टू सी आउट इन रिवॉल्यूशन इज कैन नंबर स्टेट विद प्लेजर फॉर द सेक ऑफ योर सुप्रीम आइडियल। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है ना, तो अंग्रेजी में समझ आता क्योंकि अंग्रेज था वो के मजिस्ट्रेट महोदय आप दुनिया के सबसे खुश नसीब आदमी हो के हिंदुस्तान के ऐसे क्रांतिकारियों की मौत आज खुद अपनी आंखों से देखोगे जो अपने सर्वोच्च आदर्शों के लिए किस प्रकार हंसते हंसते अपने वतन के लिए कुर्बान हो जाया करते। और फांसी का फंदा लेके न्यू चुन के और गले में डालने से पहले भी बोले अंग्रेजो एक और सुन लो जाति बनिया तुम खुश मत हो जाइयो के भगत सिंह का हो गया। भगत सिंह की कहानी तो बहुत लंबी रहेगी हिंदुस्तान में। अगर तुमने हमारे पुत्र को आजाद नहीं किया तो आऊंगा तुम्हारा जन्म लेकर थरी छतरी के ऊपर मूंग दौड़ने के लिए। कभी तुम सोचो भगत सिंह कांत हो गया, भगत सिंह की कहानी बड़ी लंबी रहेगी। और केवल ये आखिरी बात में ना ये फांसी अंत हमारा और ना ये फांसी अंत हमारा और ना ये फांसी अंत हमारा ना ये फांसी अंत हमारा। अरे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ले गए जन्म तुम्हारा ना ये फांसी अंत हमारा और ना ये फांसी अंत हमारा और ना ये फांसी अंत हमारा और ना ये फांसी अंत हमारा। मेरा रंग दे बसंत चोला मेरा रंग दे बसंत चोला मेरा रंग दे बसंत चोला मेरा रंग दे बसंत चोला।